हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी। इस वीडियो में हम जनरल साइंस का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम को शुरू किया था और आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी को आप देख सकते हैं, इसका कलर कैसा होता है। किडनी का रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर किडनी का कलर होता है और एक बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है किडनी का। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 टू 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। अगर हम इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं, किडनी की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है एडल्ट ह्यूमन बीन की 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लेंथ है। विड्थ अगर देखेंगे 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक विड्थ है और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई जो है 2 to 3 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस है। एवरेज वेट अगर हम देखेंगे, एवरेज वेट होगा इसका कितना, 120 to 170 ग्राम में वेट होगा किडनी का। बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है हार्ट की तरह, कोई भी बोन शोन इसमें नहीं है। इस किडनी का अगर हम सेंटर देखते हैं, दो पार्ट मैंने जैसे कि पहली वीडियो में भी कहा था, एक इसमें कन्वेक्स और कनकेव सर दो साइडें हैं। टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव, ये जो इनर कनकेव साइड है यहाँ के सेंटर में सफेद जो है किडनी की एक नॉच है जिसे हम हीलियम कहते हैं। यहीं से यूरिटर, ब्लड वेसल, नर्व जो है वो सारा यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से ज्वाइन करता है। इनर टू द हीलियम, इस इनर हीलियम के अंदर का जो पोर्शन है ब्रॉड फनल शेप स्पेस है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, जहाँ जिसमें बहुत ही प्रोजेक्शन है जिन्हें हम कैलिसिस कहते हैं, CALYCES। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन, दो जोन होते हैं, आउटर जोन और इनर जोन है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसका जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं किडनी का। ये तो एक रफली सी डायग्राम है, बट आपको एक अच्छी सी डायग्राम दिखाते हैं हम इसमें किडनी के लिए। आई होप डायग्राम जो है क्लियरली विजिबल होगी आप सभी को। ये जो है किडनी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, डायग्रामेटिकली हमने शो किया है, यहाँ पर रफली शो किया हुआ है। तो पढ़ते हैं, द स्पेस इनसाइड द किडनी कंटेन टू जोन। जो किडनी आप देख रहे हो यहाँ पर रफली है, इसके अंदर दो जोन आते हैं, एक ये वाला पोर्शन जो है ये वाला जोन और एक ये पोर्शन जिनमें हमने ये पायरामिड्स जैसे बनाए हुए हैं। ये जो जोन है, ये बाहर वाला जो जोन है, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है इसे, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इसे कहा जाता है, ये जो बाहर वाला जोन है किडनी का इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो अंदर वाला जोन है, जोन टुवार्ड द कनकेव साइड, ये जो है कन्वेक्स साइड में जो जोन है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। जो कनकेव साइड में जो जोन है उसे क्या कहा जाता है, मेडुला पार्ट। और इसके अंदर ये पायरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, पायरामिड वाले स्ट्रक्चर जिन्हें हम मेडुलरी पायरामिड कहते हैं, जो कि आपको डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर शो किया हुआ है, मेडुलरी पायरामिड्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मेडुलरी पायरामिड्स है। नैरो एंड ऑफ द पायरामिड पास आउट यूरिन, ये जो आप देख रहे हैं नैरो एंड, इसके दो एंड है, एक ब्रॉडर एंड है एक नैरो एंड है। इस नैरो एंड से जो है वो यूरिन जो है वो पास आउट होता है। ठीक है, और कहाँ पर आ जाता है, यहाँ से निकलते यूरिन स्पेस कॉल्ड माइनर कैलिक्स, जो इस स्पेस में आ जाता है इसे क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। तो डायग्राम में जो है अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, इस वाली में देख लीजिए माइनर कैलिक्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनर कैलिक्स। ठीक है, ये तो हमारा पहला पार्ट माइनर कैलिक्स, स्पेस कॉल्ड एज माइनर कैलिक्स। द नेबरिंग माइनर कैलिक्स जॉइंट टू फॉर्म द मेजर कैलिक्स। अब ये माइनर कैलिक्स जो है दूसरे दूसरे माइनर कैलिक्स से मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक मेजर कैलिक्स। तो यहाँ पर माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ के जो है मेजर कैलिक्स बनाते हैं। ये माइनर कैलिक्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक मेजर कैलिक्स। ठीक है, अब मेजर कैलिक्स जब बन जाता है जो नेबरिंग माइनर कैलिक्स से, और यूरिन जो होता है फिर यहां पर मेजर कैलिक्स में ही आता है। यूरिन माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ते हैं, मेजर कैलिक्स बनाते हैं और यूरिन जो है फाइनली मेजर कैलिक्स में आता है। और जो भी सबस्टेंस है कॉर्टेक्स का, जो भी सबस्टेंस है वो यहाँ से पास आउट होता है। ये बीच में से जो यहाँ पर स्पेस दिख रही है, हर किसी दो पायरामिड के बीच में से जो स्पेस होती है, यहाँ से जो है वो पास आउट होता है। ठीक है, इन गैप से जो है पास आउट होता है, जो बीच पायरामिड के बीच में गैप्स है, इन्हें क्या कहा जाता है, रीनल कॉलम। तो इन्हें क्या कहा जाता है, रीनल कॉलम, इसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है।
इसे ये स्पेस को कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो गैप है यहाँ पर जो बीच में जो है ये कॉलम से बने हुए है, ये जो गैप है इन तो हर पायरामिड के बीच में जो गैप है इन्हें क्या कहा जाता है, रीनल कॉलम। यहाँ पर लिख लेते हैं रीनल कॉलम। इस वाली डायग्राम में आप अच्छे से देख लीजिए, रीनल कॉलम कौन सा पोर्शन है, ये जो गैप का पोर्शन है इस गैप को बोलते हैं रीनल कॉलम, ठीक है। अब नेफ्रॉन जो है वो अपना फंक्शन करता है, नेफ्रॉन डज द जॉब ऑफ फिल्टरिंग द यूरिन। नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन को जो है वो फिल्टर करता है। यूरिन को फिल्टर करने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन को। प्यूरिफाई नहीं करता, सिर्फ फिल्टर करता है। सम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इन मेडुला पार्ट। अब इस किडनी के अंदर बहुत ज्यादा नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन नहीं है, दो नेफ्रॉन नहीं है, बहुत ज्यादा नेफ्रॉन है। अब कुछ नेफ्रॉन जो होते हैं कुछ कॉर्टेक्स के पार्ट में होते हैं, कुछ इस मेडुला के पार्ट में होते हैं, कुछ नेफ्रॉन जो होते इस वाले पार्ट में होते हैं और कुछ नेफ्रॉन जो इस कॉर्टेक्स के बाहर वाले पार्ट में होते हैं। तो सम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन मेडुला पार्ट, कुछ पार्ट इसमें होता है नेफ्रॉन का और कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है। नेफ्रॉन क्या होता है, एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके दो एंड्स होते हैं। एक एंड जो होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। एक एंड जो होता है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। तो मैं पहले आपको डायग्राम दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट जो हो वो ना रहे। तो आई होप ये जो है नेफ्रॉन, ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार इसे अच्छे से पहले देखिए। हर किडनी के अंदर नियरली 1 मिलियन कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, विच आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सबको पता भी होता है। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, जो कि आप ये देख सकते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, दे आर द फंक्शनल यूनिट। अब नेफ्रॉन की बात करते हैं, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, हर किसी नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में, एक ग्लोमेरुलस और एक रीनल पेब्यूल। ग्लोमेरुलस जो है इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी फाउंड बाई एफरेंट आर्टरियोल, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के बारे में आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो क्या करती है, ब्लड लाती है किडनी तक, ठीक है, जो अरोटा ब्लड लेके आ रहा है इम्प्योर उसे लाती है ताकि उसे वो फिल्टर कर सके किडनी। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाई इफेरेंट आर्टरियोल। एफरेंट और इफेरेंट दो यहाँ पर आर्टरियोल है, एक एफरेंट जो कि ए से शुरू होता है, एक इफेरेंट। एफरेंट जो है वो ब्लड जो लाती है, ठीक है, ब्लड इन करती है, और एफरेंट जो है वो ब्लड आउट करता है, ठीक है, कैरिड अवे, ये ब्लड को वापस ले जाता है। तो एक रफ सी जो है वो डायग्राम बना ली है, और यहाँ पर जो है एक अच्छी सी डायग्राम जो है आपके लिए है। तो हम स्ट्रक्चर को जानेंगे पहले हम इस नेफ्रॉन के। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड द रीनल टेब्यूल। ये जो बोमेंस इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, जो कि आप डायग्राम में अच्छे से आपको क्लियरली विजिबल होगा। इसके अंदर जो है क्या है, ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क सा दिख रहा होगा आपको, आर्टरीज का, आर्टियोल का। एफरेंट आर्टियोल यहाँ से आती है, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है। इसके बाद जो आता है एक डिसेंडिंग लूप आता है, डिसेंडिंग लूप के बाद है एक असेंडिंग लूप आता है। इन दोनों लूपों को डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैनल, हैनल और असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, इन दोनों को कंबाइन में क्या बोलते हैं, हैनल्स लूप। क्या कहते हैं, हैनल्स लूप। ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है। यहाँ पर नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पर जो इनका इनकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पर थिक पार्ट है, थिक के बाद जो आता है वो थिन पार्ट आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है थिन पार्ट और थिन पार्ट के बाद जो होता है वो एक थिक पार्ट आता है। ये जो पोर्शन आता है यहाँ से इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल, और यहाँ पर लिख सकते हैं DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बाकी के पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये क्या है, इसके ऊपर जो आर्टरी का नेटवर्क है जो कि इस वाली डायग्राम में शो किया हुआ है वैसा रखता है यहाँ पर है, और ये लास्ट पे जो हमारी आती है कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये एक रफली सा जो है वो डायग्राम है। तो अब हम जानते हैं इसके लिए क्या वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो बिग साइज कलेक्टिंग डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ बेलिनी। ये जो कलेक्टिंग डक्ट का जो बिग साइज है इसे क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी। तो
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्थ ऑफ बेलिनी। इनसाइड नेफ्रॉन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस। अब ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो है यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन जो होती है इसी नेफ्रॉन के अंदर होती है। इट पासिस इट टू द कलेक्टिंग डक्ट, तो पार्ट इन द कॉर्टेक्स इंक्लूड। अब हमने कहा था कि कुछ पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो कॉर्टेक्स में होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो मेडुला वाले पार्ट में होता है। यहां से ऊपर जितना पार्ट है, यहां से ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहां तक बिल्कुल, ये जो पार्ट आता है ये सारा कॉर्टेक्स के अंदर आता है। किडनी के किस पार्ट में आता है? कॉर्टेक्स के पार्ट में आता है, और नीचे वाला जो है वो मेडुला में आता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट वो मैंस कैप्सूल हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल हो गया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेबल हो गया, ये किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में आता है नेफ्रॉन का पार्ट। और जो नीचे हेनल्स लूप है, एज ए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स है, और ये कलेक्टिंग डक्ट का जो कुछ पार्ट है ये कहाँ पर आता है? हमारे मेडुला पार्ट में किडनी के। ठीक है, तो पार्ट इन द कॉर्टेक्स इंक्लूड बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, ठीक है, डीसीटी और लूप ऑफ हेनल्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पार्ट आता है। ऑल अराउंड नेफ्रॉन इज अ सबस्टेंस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। नेफ्रॉन के साइडों में जो है एक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। इस तरीके से जो है सबस्टेंस नेफ्रॉन के साइड्स में होता है, पूरे एक फ्लूइड होता है नेफ्रॉन के साइड्स में। ठीक है, इन द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड वेरीज अप इन द कॉर्टेक्स। कंसेंट्रेशन जो होती है फ्लूइड की वो वेरी करती है, कॉर्टेक्स में जो होती है वो कंसेंट्रेशन कम होती है। कितनी कम होती है? 300 यहाँ पर लिख देते हैं, कॉर्टेक्स में होती है 300, ठीक है, ये यूनिट है। और जो नीचे मेडुला पार्ट में होती है वो कितनी होती है? 1200। तो कंसंट्रेशन जो होती है मेडुला पार्ट में वो ज्यादा होती है, कॉर्टेक्स पार्ट में जो होती है वो कम होती है कंसंट्रेशन। तो ये जो था वो बिल्कुल बेसिक सी बातें थी। अब देखते आगे, जो रीनल आर्टरी होती है ये सप्लाई करती है ब्लड किसमें? किडनी में। रीनल आर्टरी जो है ब्लड को सप्लाई करती है किडनी में फॉर फिल्ट्रेशन। इट्स वन ब्रांच कम्स आउट इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। एक ब्रांच, जैसे ही मैंने कहा था जो इस वाले डायग्राम में विजिबल होगा, एफरेंट आर्टरी जो है यहाँ पर आती है जो कि ब्लड लेके आती है। इट फॉर्म मैनी कैपिलरी आफ्टर कमिंग इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर जो है वो बहुत सी कैपिलरी बनाती है जैसे ही ये वुमेन्स कैप्सूल में आ जाती है एफरेंट आर्टरी। ठीक है, द बंच ऑफ कैपिलरी इज सब ग्लोमेरुलस। तो यही जो बंच ऑफ कैपिलरीज है यहाँ पर, जो बहुत सी आप कैपिलरीज है वाली पार्ट में आप देख लीजिए, ये बंच ऑफ कैपिलरीज जो है ये पूरा इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इनसाइड वुमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनसाइड द वुमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट। वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कंबाइन में कहते हैं रीनल कॉर्पसल और माल्फिजियन बॉडी। तो आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे मिटा देते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं हम, कि ग्लोमेरुलर टेब्यूल बिगन विद अ डबल वॉल्ड कपलाई स्ट्रक्चर कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। पहला पॉइंट, विच एनक्लोजेस वुमेन्स ग्लोमेरुलस। पहला जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है? वुमेन्स कैप्सूल जो कि कुछ इस टाइप का है, और इसके अंदर बहुत सी बेंच ऑफ कैपिलरीज है। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज है का एक नेटवर्क है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस। बट इन दोनों को कंबाइन में हम क्या कहते हैं? दोनों को कंबाइन में, जब दोनों को कंबाइन कहते हैं मीन्स क्या कहते हैं? माल्फिजियन बॉडीज। ठीक है, माल्फिजियन बॉडी हम इनको कंबाइन में बोलते हैं। और दूसरा नाम इनका रीनल कॉर्पसल। द टेब्यूल फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉल्ड नेटवर्क जिन्हें हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल बोलते हैं। अब ये आगे जाके क्या बना लेते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल। ठीक है, फिर एक हेयर पेन शेप, नीचे जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनल्स है ये आता है। ठीक है, इनका कुछ एरिया जो है वो वेरी भी करता है। ठीक है, चलो इस तरीके से बना दिया है, ये आता है डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनल। इनका हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम हेनल्स लूप कहते हैं। ठीक है, हेनलिस लूप कहे। तो इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिंब होते हैं। असेंडिंग लिंब कंटिन्यूज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेबल।
तो यहाँ से हेनिन स्वरूप जब आगे जाता है वहां पर क्या बनाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेबुल बनाता है, डीसीटी। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन ए स्ट्रेट ट्यूब कॉल कलेक्टिंग डक्ट। ये जाके कहाँ पर होती है, कलेक्टिंग डक्ट के साथ जो है वो कनेक्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट के साथ। मैनी ऑफ इट कन्वर्ज एंड ओपन इन टू द रीनल पेल्विस। अब ये रीनल पेल्विस कौन सा रीजन है, अभी हमने देखा जो यहाँ पर पायरामिड्स थे, इस किस्म के पायरामिड्स थे ये, इनके आगे जो ये एक एरिया बन रहा था जहाँ पर सारी की सारी आर्टरीज आ रही थी इस हीलियम के पीछे वाला, ये जो बीच वाला एरिया बन रहा था ये कौन सा था, रीनल पेल्विस। तो ये एरिया था रीनल पेल्विस। डायग्राम में जो होगा वो आपको विजिबल होगा, आप डायग्राम जो है किडनी की देख लीजिए दोबारा से, ठीक है। माल्फिजन कैप्सूल, ठीक है, माल्फिजन कैप्सूल यानी कि बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुला, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ ए नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। किस रीजन में, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, वेयर लूप ऑफ हेनलीज डिप इनटू द मेडुला पार्ट। इतना तो हमने पहले ही समझ लिया। अभी जो हम पढ़े बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को क्या कहा जाता है, माल्फिजन बॉडी और रीनल कार्पसल। यही जो माल्फिजन बॉडी होती है रीनल कार्पसल, दिस वर्क एज अ फिल्ट्रेशन ऑपरेटर ऑफ ह्यूमन किडनी। क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स ह्यूमन बॉडी की। दियर टेक प्ले फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, एफरेंट आर्टिकल टेक्स ब्लड आउट ऑफ द किडनी। जैसा कि डायग्राम में दिख सकता है आपको, एफरेंट आर्टिकल जो है वो ब्लड जो है किडनी से बाहर ले रहे हैं, एफरेंट आर्टिकल टेक ब्लड आउट ऑफ द किडनी। इन साइड कैपिलरी, जो कैपिलरीज है, ये बहुत ही अपने कैपिलरी का एक नेटवर्क आपने देख लिया। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है, कितना हाई होता है प्रेशर, 75 mm जो होता है ऑफ एजी मर्करी, इतना प्रेशर होता है। फ्रॉम द थीन वॉल ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी की जो वॉल होती है बहुत ही थीन होती है, जो ब्लड का कंपोनेंट होता है वो वॉल से, कैपिलरी की वॉल से जो है वो बाहर आने की कोशिश करता है। ये है जैसे कि ब्लड है, ये ऐसे बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है, ट्राइज टू कम आउट बट देयर आर सम अपोजिंग प्रेशर। क्यों बाहर नहीं आ सकता है कैपिलरी से, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपोजिंग प्रेशर होते हैं। अब वो अपोजिंग प्रेशर जो होते हैं वो कौन कौन से अपोजिंग प्रेशर होते हैं, एक तो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है इसमें, ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, और दूसरा हमारे पास आता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, और कितना होता है, 30 mm Hg। ड्यू टू द हाइड्रोटिक प्रेशर कितना होता है, 20 mm Hg। तो जॉइंट वैल्यू ऑफ अपोजिंग प्रेशर को अगर हम इनका जॉइंट वैल्यू देखें तो 50 mm Hg होता है, और वहां पर हमने देखा द प्रेशर विच पुश आउट द ब्लड वो 75 है, जो कि ग्रेटर होगा, और ये 50 है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, डेल प्रेशर अगर हम चेंजिंग प्रेशर देखेंगे 25 mm जो है वो चेंजिंग प्रेशर आ रहा है, नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 25 mm Hg ऑफ मर्करी, ये जो होगा वो नेट जो होगा फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर कंपोनेंट ऑफ ब्लड कम्स आउट, इसी प्रेशर की वजह से जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। कमिंग आउट ऑफ द ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम द कैपिलरीज अंडर प्रेशर इज नॉन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यही तो प्रोसेस होता है वो कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है किसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, आफ्टर एंटरिंग द नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर जब आ जाते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबुल में। तो ऑल दोस कम आउट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो भी बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से जो भी बाहर आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहा जाता है उसे। रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर हम देखेंगे तो वो कितना होता है, 120 ml, ठीक है, 120 ml होता है, फॉर्म्ड इन एवरी मिनट, हर मिनट में, पर मिनट जो है ये इतना रेट होता है, और टोटल अगर हम दिन का देखते हैं पूरे तो 172 liters जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एवरी डे। ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ब्लड वट एवर कम्स आउट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कुछ भी आता है बाहर आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के वक्त हम उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। पूरा का पूरा ब्लड जो होता है वो नहीं आता है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती है जैसे कि वाटर है, विटामिन हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज, मिनरल सॉल्ट बहुत से हैं, ठीक है। तो यूरिन जो है कॉन्सिस्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट, उसमें यूरिया है, कैरेटीन है, हाइपोरिक एसिड है, ये बहुत सी कैपिलरीज जो होती है, दे आर फाउंड बाई ब्रांचिंग ऑफ एफरेंट आर्टरी
देयर ब्रांचेस जॉइंटली कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो क्या होता है, जैसे जैसे एफरेंट आर्टरियोल है, दे एमर्ज फ्रॉम कहाँ से आती है, ग्लोमेरुलस से, दे फॉर्म अ कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल टेब्यूल। तो रीनल टेब्यूल के साथ साथ में जो है वो कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो क्या होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट कौन सा, इफरेंट, ई डबल एफ ई आर वाला, जो बाहर आ रहा होता है ब्लड को लेकर, एफरेंट आर्टियोल एमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ये वोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है आप देख सकते हो, यहाँ से जो आ रहा है बाहर, ठीक है, इनके साथ बहुत सी कैपिलरीज है, रीनल टेबुल के उधर जो भी कैपिलरीज है उन्हें क्या कहा जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। उसके अलावा कुछ माइन्यूट वेसल भी है ऑफ नेटवर्क देर ऑन पैरेलल टू द हेनल टेबुल, ये आप देख सकते हो यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप के इधर भी एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है माइन्यूट वेसल्स का, यू शेप जो है, इसे कहा जाता है वैसा रेक्टा, जो बॉटम में आप देख सकते हो वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कोरिटिकल नेफ्रॉन्स। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से वैसा रेक्टा क्या होता है, द कैपिलरी विच सराउंड द लूप ऑफ हेनोल, ऐसी कैपिलरी जो कि लूप ऑफ हेनल को सराउंड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिला वैसा रेक्टा। लूप ऑफ हेनोल असेंडिंग और डिसेंडिंग आप देख लीजिए, उसे जिन कैपिलरीज ने सराउंड किया उसे हम बोलते हैं वैसा रेक्टा। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है वैसा रेक्टा कैपिलरीज के बारे में, दोस हैव फॉर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब, ड्यू टू दीज टू लिंब वैसा रेक्टा कैपिलरीज काउंटर करंट सिस्टम बिगिन। तो यहीं से करंट सिस्टम जो है इसमें शुरू होता है, फिर प्रोसेस आता है रीअब्सॉर्प्शन का, फिर डिसेंडिंग लूप और ट्यूबुलर सेक्शन में प्रोसेस होती है, और फिर बाद में रेगुलेशन ऑफ साल्ट होती है। तो यूरिन की जो भी फॉर्मेशन होती है, इट इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जब ये हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखी, रीअब्सॉर्प्शन सेकेंड स्टेप होता है, और सिक्रीशन होती है, दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, कि ब्लड की जो फिल्ट्रेशन होती है पहला स्टेप होता है, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलर एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रीअब्सॉर्प्शन के बारे में, रीअब्सॉर्प्शन अकर इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। रीअब्सॉर्प्शन जो होती है वो कहाँ पर होती है, पीसीटी में होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल में रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पर होती है, पीसीटी में होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल में होती है। यहाँ पर जो भी यूजफुल केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बैक इनटू द ब्लड बाय टू मेथड, एक पैसिव एक एक्टिव मेथड होता है, यहाँ पर पैसिव और एंड एक्टिव मेथड होता है ऑफ रीअब्सॉर्प्शन एंड एक्टिव मेथड। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स है, ठीक है, यूजफुल केमिकल है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाती है दोबारा से ब्लड में। जो पैसिव मेथड होता है, यहाँ पर कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। और ये जो प्रोसेस होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पर 50% न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे ही कंसेंट्रेशन बराबर हो जाती है, सेम हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, ये पैसिव का केस है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन इवन यूरिया इज ऑल्सो रीअब्जॉर्ब, यहाँ पर यूरिया जो है वो भी रीअब्जॉर्ब होता है, यूरिया ऑल्सो रीअब्जॉर्ब। फिर आती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर एनर्जी का भी यूज होगा, एटीपी का भी यूज होगा, ठीक है, एटीपी भी यहाँ पर स्पेंट होगी, और जो भी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट है वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो नो हार्मफुल वेस्ट इज एब्जॉर्ब, यहाँ पर हाईली सिलेक्टिव मेथड होता है ये मैटर, यहाँ पर कोई भी हार्मफुल जो भी वेस्ट है वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं नो हार्मफुल वेस्ट इज रीअब्जॉर्ब, हार्मफुल वेस्ट यहाँ पर रिएक्टर नहीं होते। फिर आती है डिसेंडिंग लिंब में, यहाँ पर जो अल्ट्राफिल्ट्रेट अभी तक हुआ वो एंटर करता है डिसेंडिंग लिंब में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल में, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक थिक पार्ट होता है, एक थिन पार्ट होता है, ठीक है। थिन पार्ट जो होता है वो परमेबल टू वाटर होता है, थिन पार्ट जो होगा उससे वाटर जो होगा वो पास हो जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल में थिन पार्ट जो होगा वो वाटर के लिए परमेबल होगा, लेकिन जो थिक पार्ट होगा वो इम्परमेबल होगा।
और जो थिक पार्ट होगा, थिक पार्ट जो होगा वो इनपरमिएबल होगा वाटर के लिए, वो क्या होगा इनपरमिएबल डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनल। तो यहाँ पर जो है थिन पार्ट में वाटर जो होता है वो परमिट हो जाता है। तो वाटर कम्स आउट इन द फ्लू आउटसाइड द अराउंड द लूप ऑफ फेनल, दिस वाटर नाउ एंटर इन टू द असेंडिंग लिंक। अब ये जो वाटर है यहाँ से जो है, यहाँ पे जो वाटर आया ये अब कहाँ पर एंटर होता है, असेंडिंग लूप ऑफ फेनल्स में जो है वाटर जो है वो चला जाता है, ठीक है, असेंडिंग लूप लिंक में। तो कहाँ से जाता है, वैसा रहता है कैपिलरीज, तो जो इसमें कैपिलरीज होती है हेनल्स रूप में, जैसे उनका नाम पहले ही कह दिया था, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है यह हाइपरटोनिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो जाता है वाटर का जो है वो लॉस हो जाता है इन द बेस। नाउ अल्ट्रा फिल्ट्रेट एब्सेंट अप इन द असेंडिंग लिंक, इट बिकम लेस एंड लेस कंसेंट्रेटेड एज वी मूव डाउन टू अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये लेस कंसेंट्रेटेड होता जाता है जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं। अब फ्रॉम हाँ, तो डिसेंडिंग लिम में जैसे कि हमने पढ़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो होते हैं वो डिसेंडिंग लिम में एंटर करते हैं, और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होती है यहाँ पर जो थिन पार्ट होता है और एक थिक पार्ट होता है डिसेंडिंग लिम में, सिमिलरली असेंडिंग लिम में भी थिन पार्ट होता है थिक पार्ट होता है। यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम में थिन पार्ट होता है यह वाटर के लिए, तो वाटर को तो परमिट करता है, वाटर के लिए तो परमिएबल है, लेकिन जो थिक पार्ट होता है यहाँ से जो वाटर है इसके लिए इनपरमिएबल है, ठीक है, थिक पार्ट जो होता है वाटर के लिए इनपरमिएबल है। वाटर कम्स आउट इन द फ्लू आउटसाइड द लूप, तो यहाँ से ऐसे भी वाटर जो है वो आ जाता है, बाहर आता है, ठीक है, इन टू द असेंडिंग लिंब की तरफ आता है। यहाँ पर जो कैपिलरी होती है कौन सी होती है, वैसा रहता है कैपिलरी। द अल्ट्राफिल्ट्रेट नाउ बिकम हाइपरटोनिक बाय द लॉस ऑफ वाटर, जैसे जैसे वाटर का जो है वो अल्ट्राफिल्ट्रेट में से जो है वो लॉस होता है तो ये सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक बनने लगता है, और जैसे जैसे ये और ऊपर जाता है और ऊपर चला जाता है सोल्यूशन, ये लेस कंसेंट्रेटेड भी होता है उतना ज्यादा लेस कंसेंट्रेटेड भी होता है एज वी मूव फ्रॉम डाउन टू अप। द असेंडिंग लूप ऑफ फेनल साल्ट कम्स आउट, यहाँ पर जो है वो साल्ट है वो बाहर निकल जाते हैं। वो साल्ट कैसे बाहर निकलते हैं, यहाँ पर भी एक थिन पार्ट है एक थिक पार्ट है, थिन पार्ट से जो होते हैं साल्ट निकलते हैं थिन पार्ट से इन द फॉर्म ऑफ NaCl। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.